हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। IBPS RRB स्केल टू लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज कुछ दिन पहले अनाउंस हुई थी। इन दिस वीडियो आई विल शेयर विद यू अ स्ट्रैटेजी एंड अ स्टडी प्लान विच यू कैन यूज टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द टेंटेटिव डेट्स। आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जून से स्टार्ट हो चुकी है एंड विल लास्ट अप टू 21st of June। इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। आपका एग्जाम सेप्टेम्बर में होगा। देर इज अ सिंगल लेवल एग्जाम विच विल बी इन सेप्टेम्बर। देन योर इंटरव्यू विल बी इन अक्टूबर नवंबर एंड फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट विल बी इन जनवरी 2024। सिंस दिस इज अ स्केल टू रिक्रूटमेंट, इन दिस एग्जाम एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। यू कैन चेक आउट द डिटेल वीडियो रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी विच आई हैव मेड अर्लियर। नाउ मूविंग टू द एग्जाम पैटर्न, देर विल बी 6 सब्जेक्ट्स इन द एग्जाम। देर इज ओनली अ सिंगल लेवल एग्जाम, प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज योर लॉ, देन रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस। इंग्लिश या हिंदी में से आप एक चूज कर सकते हैं। देन कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इंग्लिश हिंदी एंड कंप्यूटर, 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिंदी में से एक, जिनकी वेटेज हाफ है। 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं, बाकी सब 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के हैं। सो द टोटल पेपर इज ऑफ 200 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 240। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द 3 मंथ्स स्ट्रैटेजी। एग्जाम 10 सितंबर को है, तो अभी आपके पास 3 मंथ्स अवेलेबल हैं। इन द फर्स्ट मंथ यू कैन फोकस ऑन द न्यू लॉ सब्जेक्ट्स एंड यू हैव टू स्टडी देम डेली। आप अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। एक पार्ट को आप हमेशा लॉ को दीजिए। स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ में यू कैन टेक अप दोज लॉ सब्जेक्ट्स विच यू हैवन स्टडीड एट ऑल सो फार, चाहे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हो या फिर आपने अपने LLB ग्रेजुएशन या एक्सपीरियंस में ना देखा हो। तो वो सब्जेक्ट्स पिक कीजिए जो आपके लिए नए हैं। क्वांट और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स ऑल्टरनेट डे पे ले लीजिए। आज एक क्वांट का टॉपिक लिया, उसको रैप अप कीजिए, देन टुमारो यू कैन टेक अप रीजनिंग टॉपिक्स। बट ऐसा मत कीजिएगा कि एक टॉपिक को पार्टली फिनिश किया एंड यू स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर किसी टॉपिक को खत्म करने के लिए आपको 2 दिन लग रहे हैं, टेक दोस 2 डेज देन स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको डेली करनी है। स्टे अपडेटेड विद द फाइनेंशियल करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अफेयर्स। एंड इंग्लिश यू हैव टू स्टडी ट्वाइस अ वीक। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप सिर्फ वीकेंड पर इंग्लिश के मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इन द सेकेंड मंथ रिवाइज द लॉ सब्जेक्ट्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वंस एंड ऑल्सो द न्यू लॉ सब्जेक्ट्स जो आपने पहले मंथ में पढ़े हैं। क्वांट रीजनिंग ऑल्टरनेट डे पे आपको फोकस करना है ऑन द इम्पॉर्टेंट एरियाज। होपफुली फर्स्ट मंथ में आपके कुछ टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। रिवाइज दोज इन द सेकेंड मंथ एंड प्रैक्टिस द रिमेनिंग टॉपिक्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस अगेन यू हैव टू डू डेली, साथ ही साथ आपको फर्स्ट मंथ रिवाइज भी करना है एंड इंग्लिश सेम एज फर्स्ट मंथ। एंड इन द थर्ड मंथ रिवाइज ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स। आई एम अज्यूमिंग हेयर कि आप 2 महीने या ज्यादा से ज्यादा 3rd मंथ के स्टार्टिंग तक अपना पूरे लॉ खत्म कर लें एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन रिविजन एंड प्रैक्टिस। क्वांट और रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस डेली करना है एंड इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड मंथ स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट वंस यू हैव कम्प्लीटेड 30-40% ऑफ द सिलेबस। अगर आपको किसी भी फॉर्म की गाइडेंस या डायरेक्शन चाहिए, आप हमारे RRB स्केल टू लॉ ऑफिसर कोर्स को चेक कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, PDF, शॉर्ट क्विज, वीडियोस, इंटरव्यू गाइडेंस सब मिलेगा। इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्टडी प्लान। आई हैव गिवन यू अ मंथ वाइज स्ट्रेटजी एंड दिस इज अ वीक वाइज स्टडी प्लान। इसको डे वाइज आप अपने स्ट्रेंथ्स वीकनेस के अकॉर्डिंग रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। This study plan will give you an idea of what all you need to study and how much time is required week-wise to study a topic. For example, see in week 1, आपको quant में cover करना है shortcut tricks, simplification series, reasoning में blood relations, English में rules of grammar. I have divided financial awareness in 2 parts. One is the dynamic content and another is the static content. Dynamic content में आप union budget and economic survey पढ़ लीजिए, उससे related videos, PDFs, quiz देख लीजिए, because it is a part of financial awareness. In static portion, know about RBI, its functions and monetary policy. Computer knowledge may introduction to computer and strategy and in professional knowledge, Companies Act, RTI Act and Competition Act. तो इस तरीके से आप week wise इस study plan को follow कर सकते हैं। आप इस entire study plan को नीचे description में से download कर सकते हैं and you can paste it on your table, follow religiously to complete the syllabus and to prepare for this exam. I hope this will help you, this will guide you well. अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर। आई एग्जाम भी हेल्प्स यू प्रिपेयर 50% फास्टर विद अ क्रिस्प एंड कंसाइज कंटेंट। सब्सक्राइब टू अवर चैनल, स्टे ट्यून। थैंक यू।